ना ज्यादा फायदेमंद है, फटाफट स्टॉक्स भी समझ लेते हैं। अंशुल, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपको शेयरों में मौके कहां पर दिख रहे हैं, ट्रेडिंग कॉल्स क्या होंगी आपकी क्लोजिंग के लिए? नमस्कार अभिषेक, आपके और आपके सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पहला स्टॉक मैं बाई दूंगा एलएनटी फाइनेंस पे। यहाँ पे कप एंड पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और पिछले 5 दिन इनसाइड बार की फॉर्मेशन थी, जहां से आज ब्रेकआउट है ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ। वॉल्यूम्स ऑन द राइज है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन रहेगी कि ये स्टॉक आराम से 155-160 तक जा सकता है। बट पेसिमिस्टिक टारगेट अगर किसी को लेना है 147-50 का ले सकते हैं। दूसरा, मैंने लास्ट वीक में न्यू लैंड लैब दिया था आपके दर्शकों को, वो स्टॉक लगभग 9% चल चुका है। उसी लगभग उसी पैटर्न पे दूसरा स्टॉक आ रहा है, वेल्सपन इंडस्ट्री। यहाँ पे 7-8 दिन की ऑलमोस्ट इनसाइड बार मिनी कॉइल पैटर्न है। ब्रेकआउट के बाद 146 का ब्रेकआउट था, उसके बाद पूरी कंसोलिडेशन हुई और आज वापस से ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ ये स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। तो इसमें भी 157 पे बाई करना चाहिए। 140 का स्टॉप लॉस रहेगा और ₹205 का टारगेट रहेगा। ये टारगेट अचीव होने में 7 से 10 दिन का समय लग सकता है। एलएनटी फाइनेंस 143.50 पे बाई है, 141.50 का स्टॉप लॉस है, 147.50 का पेसिमिस्टिक टारगेट है, 155 का ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रहेगा। रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स, लेकिन ऑफ कोर्स क्रूशियल लेवल्स वॉच करने होंगे इंडाइसेस पर। एक बार समझ लेते हैं कि श्रीकांत इस वक्त ट्रेडिंग आइडियाज क्या ले रहे हैं। श्रीकांत, आप भी थोड़ा हेज जाना चाह रहे हैं या फिर आइडेंटिफाई किया आपने हमारे बुल कॉल्स? बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे जैसे आज प्रियंका हमने कई सारे पीएसयू स्टॉक्स में एक्टिविटी देखी है, तो हमें लगता है कि वहां पे ही हमें हमारा फोकस रखना चाहिए और वहां पे ही कुछ ट्रेडिंग के मौके तलाशने चाहिए। अगर हम इसी पर्टिकुलर ट्रेंड को अगर फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कैनरा बैंक ये एक स्टॉक ऐसा है कि जिसमें आज अच्छा खासा एक टेक्निकल ब्रेकआउट हुआ है। 393-394 के ऊपर ये स्टॉक में जो वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी हुई है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक 420 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से कैनरा बैंक को लॉन्ग करके चले, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 394 के करीब का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि पावर स्टॉक्स में कुछ तेजी बनी है और यहाँ पे एनटीपीसी यहाँ पे कुछ एक अपवर्ड एक्टिविटी दिखाई दे रही है। हमें लगता है कि ये भी स्टॉक आने वाले दिनों में कम से कम 255 से लेकर 265 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो 260 के टारगेट के साथ साथ अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर लॉन्ग करेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो रखना पड़ेगा 243 का। तो एनटीपीसी को लॉन्ग करें, 243 का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट्स यहाँ पे रखें 260 के। टीपीसी और साथ ही कैनरा बैंक, क्योंकि आज थोड़ा सा